खबर जगदूत न्यूज। नमस्कार, जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। मानसी से प्रभु जी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के जंग से जूझ रहे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर यात्रियों की हालत सांप छुछुनर की तरह हो गई है। बताते चले कि खगड़िया जिला में पहले खगड़िया जिला ग्रीन जोन में हुआ करता था, वह जिला अब कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में लगातार इजाफा हो रहे कारण से यह ग्रीन जोन से रेड जोन में परिवर्तित हो गया। जब से प्रवासी मजदूर खगड़िया आ रहे हैं तभी से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे तो जिला प्रशासन ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये सभी दिन रात बेहतर इंतजाम में लगे हुए हैं और बेहतर इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा के कारण ही खगड़िया ग्रीन जोन में परिवर्तित थी, लेकिन अब यह कुछ दिक्कतों के कारण से यह रेड जोन में परिवर्तित होने लगी है। बिहार सरकार के द्वारा क्वारंटीन सेंटरों पर रह रहे प्रवासी यात्री व मजदूर की देखभाल के लिए नाश्ता, खाना, पानी, मेडिकल की सुविधाएँ व खूब ढेर सारी व्यवस्था दी हुई है, पर इसके सुर्खियों में बटोरी जा रही है। यह सभी दावे मानसी के प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर की खास्ता हालत पर बयां कर रही है। जिलाधिकारी बार बार उद्घोषणा कर रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे यात्री की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पर प्रखंड मुख्यालय में इसकी लूट सी मची है। वहाँ के व्यवस्थापक केवल कागजों पर ही व्यवस्था दिखाते हैं, सर जमीन पर तो कुछ भी नहीं छिपता है। बताते चले कि इस चलते प्रवासी मजदूर गुस्सा होकर सेंटरों से बाहर निकलते को विवश हो जाते हैं। यही खासा हालत देखिए आप मानसी से खास रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जनता हाई स्कूल आइसोलेशन केंद्र में आए हुए प्रवासी मजदूर व यात्रियों को ना तो ढंग से खाना दिया जा रहा है, ना तो ढंग से पानी दिया जा रहा है, और पानी पीने के लिए बाहर से इन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। कितने आदमी हैं इनकी यात्रियों के लिए ना तो मास्क लगाए और ना ही साबुन की व्यवस्था की गई है। इन बेचारों की तीन आदमी देखभाल कोई करने वाला नहीं। देखिए खास रिपोर्ट, सुबह में नाश्ता में क्या मिलता है आप लोग को? खाना में चावल घटिया गया, सब्जी घटिया गया, थोड़ा थोड़ा दे के पूरा के चला जाता है, बढ़िया बना के देवे नहीं करता। चापाकल भी ठीक नहीं है, लोग आदमी लग जाएगा आप लोग को। मुखसर नहीं मिला है, साबुन कुछ नहीं मिला है। तो आपने देखा कि सेंटरों में रह रहे इस प्रवासी मजदूर की यह हालत बयां कर रही है। घंटा को दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। अनोखे न्यूज को देखते रहें जगदूत न्यूज़।